आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शुक्रवार को जाएंगे बलिया, फिर मथुरा के लिए करेंगे प्रस्थान। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी ने गोरखपुर में एनसीसी का ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए अधिकारियों को जमीन तलाशने और रामगढ़ताल को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने सरयू घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का किया लोकार्पण। फोर लेन के एक और पुल निर्माण की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। पूर्व की सपा सरकार पर सीएम योगी ने साधा सीधा निशाना, कहा वो लोगों को बांटते थे, हम जोड़ते हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए सीएम योगी, कहा पार्टी संस्थापकों का सपना पूरा कर रहा है वर्तमान विजनरी नेतृत्व। भाजपा शासन में हुआ अंत्योदय से राष्ट्रोदय, जनजातीय समुदाय की बहन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इसका है प्रमाण। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राकेश यादव की संपत्ति सदर तहसीलदार एवं सीओ चौरीचौरा प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में किया गया सीज। एक चार पहिया वाहन, दो मोटरसाइकिल, एक जेसीबी, एक अशोक लेलैंड ट्रक को सीज कर गुलेरिया थाने में कराया गया दाखिल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। यूपी के टॉप 61 माफिया की सूची में शामिल राजन तिवारी को कैंट पुलिस एसओजी व बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने रक्सौल से किया गिरफ्तार। देर शाम कैंट पुलिस ने राजन तिवारी को गोरखपुर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस लाइन में की जा रही है भव्य तैयारी। एसपी लाइन राहुल भाटी ने कहा 19 अगस्त को पुलिस लाइन में आयोजित होगा भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पुलिस प्रशासन सहित भारी संख्या में नागरिक होंगे शामिल। और शिव महापुराण संगीतमय साप्ताहिक कथा का बुधवार से हुआ शुभारंभ। ऋषि सेवा समिति के अध्यक्ष राघव ऋषि जी ने प्रेस वार्ता कर नागरिकों से कथा में शामिल होने के लिए किया अपील।